अच्छा, ये जो मोटो व्लॉगिंग है इट्स नॉट एन ईजी थिंग। बेसिकली इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। वैसे तो आपने लाइक इवन दो दैट इज़ नॉट ईजी, जो आप मतलब नॉर्मल व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, हाथ में अपने कैमरा पकड़ा हुआ और आप लेके जा रहे हैं, लेकिन इसमें हमारे पास जो मेन इशू आता है ना वो ये है कि जो मोटो व्लॉगिंग की बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो हमारे पास मेन इशू आता है वो ये आता है कि आपको यू हैव टू हैव अ वेरी गुड इक्विपमेंट विद यू, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एक्शन कैमरा। तो GoPro Hero 9 या 10 जो लेटेस्ट आया वो होना चाहिए। उसके बाद आपके पास माइक बहुत बहुत ज़रूरी है, माइक अच्छा हो, और अच्छा माइक बहुत ही एक्सपेंसिव आते हैं जिनमें नॉइज़ कैंसलेशन की ऑप्शन होती है। तो समटाइम आप थोड़ी सी अकलमंदी से और इसको मतलब इससे एक्सपेरिमेंट्स करके तो अपने थोड़े से पैसे बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल बोया कंपनी का माइक है, वो इतना कोई अच्छा माइक नहीं है, कोई बहुत ही अच्छा नहीं है लाइक लेकिन फिर भी एक रिकग्नाइजेबल माइक है जो कि बड़ा अच्छा माना जाता है इन द मार्केट। तो वो बेसिकली उसमें नॉइज़ कैंसलेशन तो नहीं है, लाइक इसका जो बोया में भी डिफरेंट माइक्स हैं उनकी डिफरेंट प्राइजेज होंगी, नॉइज़ कैंसलेशन वाला भी होगा, लेकिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ दिस इज़ जस्ट इट कॉस्ट मी जस्ट 3000 रुपीज़। तो अब ऑब्वियसली 3000 का माइक हो तो उससे आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये जो माइक है इसके साथ मैं एक्सपेरिमेंट्स ही कर रहा हूँ अभी, क्योंकि प्रॉपर व्लॉगिंग की तरफ मोटो व्लॉगिंग की तरफ नहीं आया मैं, और कुछ ट्रिप्स और टूर जो है ना उसमें नहीं लगा रहा मैं। तो यही है कि अभी बस टेस्टिंग, ट्रायल एंड टेस्टिंग चल रही है कि आवाज़ किस तरह से आती है और किस तरह से जो विंड ब्लास्ट है उसको किस तरह से कैंसिल किया जा सकता है, नॉइज़ कैंसिलेशन में किस तरह से हेल्प ली जा सकती है। तो उसमें यही है कि मैंने अभी जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ पता नहीं आवाज़ मेरी किस तरह से आ रही है, लेकिन ऑब्वियसली ये भी एक एक्सपेरिमेंट ही है। तकरीबन इसके ऊपर मैंने इस माइक के ऊपर मैंने जो एक वो होती है उसको कहते हैं क्या कहते हैं यार, वो डेड कैट इज समथिंग जो फर सी होती है और माइक के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन वो भी उसी वक्त आपको लाइक वो एक्सपेंसिव है, 1000 और या 1500 की आपको मिलेगी। तो आई जस्ट बॉट 50 रुपये का एक मैंने वो जो फोम होता है जो हार्डवेयर की शॉप से मिलता है वो लिया, वो उसके ऊपर चढ़ाया, और वो चढ़ा के तो भाईजान मैं ये मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ। और अब मैंने माइक जो है ना वो बिल्कुल अपने मुंह के आगे रखा हुआ हेलमेट के अंदर, और उसमें ये है कि मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि आवाज़ कैसी आती है मेरी, बाहर का शोर वो किस तरह से मतलब वो नॉइज़ रिडक्शन उसमें पॉसिबल हो सकती है या नहीं। जुगाड़ तो हम पाकिस्तानी फिर आपको पता है कैसे कैसे लगाते हैं। तो अच्छा सॉरी, आप लोगों को ये तो बताया ही नहीं कि मैं किधर किस तरफ निकल रहा हूँ। बेसिकली एक दो ट्रायल एंड टेस्टिंग आपको बताया माइक की चल रही थी, दूसरी भाईजान ये कि मेरे ना क्रेडिट कार्ड में लाइक आई वांटेड टू कैंसिल माय क्रेडिट कार्ड, तो वन ऑफ द क्रेडिट कार्ड, तो उसमें ये है कि मुझे जो सेल्फ बैंक का क्रेडिट कार्ड है वो मैं कैंसिल करवाना चाह रहा था, बिकॉज उसमें मेरे पास लिमिट बहुत कम है, तो मैं चाहता था कोई ज़्यादा लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड हो तो वो उससे मैं वो यूज़ कर सकूँ। तो ऑलरेडी आई डू हैव अ स्टैंडर्ड चार्टर्ड वन एज वेल, लेकिन सिर्फ बैंक का मुझे सिर्फ SMS फीस और वो चीज़ें पड़ी थी और मंथली ईयरली फीस, तो इट्स बेटर इवन दो दैट इज़ रिफंडेबल बट स्टिल। तो मैं वो जो है ना वो टेंशन पालना नहीं चाह रहा मज़ीद, तो मैं उसको कैंसिल करवाने की ऑप्शन वो के लिए उनको कॉल की थी, और वो कहते हैं कि जी आप के जो पॉइंट्स पड़े हुए हैं उसके अगेंस्ट हम ना सिर्फ आपका बिल एडजस्ट कर देंगे बल्कि उसके साथ साथ जो है ना आपके जो एक्स्ट्रा पॉइंट बनते हैं उसकी आप शॉपिंग कर लें, एंड देन यू कैन जस्ट कॉल अस फॉर द कैंसिलेशन रिक्वेस्ट ऑफ दैट कार्ड। तो अभी क्योंकि उसमें पैसा पड़ा हुआ है, पैसा कार्ड के अंदर, तो मैं चाह रहा था कि उसको मैं
यूज़ कर लूँ। तो ये यहाँ पे पास ही एक मेट्रो कैश एंड कैरी है, तो मैं कह रहा हूँ वहाँ पे जाके कुछ चीज़ें बाय कर ली जाएँ। कुछ चीज़ें ओबियसली बाय करनी भी थी, और कुछ की विंडो शॉपिंग हो जाती है, पता चलता है कि प्राइसेस क्या हैं, रेट्स क्या हैं, क्योंकि मुझे एक दो चेक लिस्ट में मैंने चीज़ें ऐड की हुई हैं। मुझे चाहिए थी एक तो मुझे जूसर चाहिए, बिकॉज आई एम लिविंग ऑल अलोन ओवर हियर इन लाहौर। तो मैं सोच रहा था कि कभी मिल्क शेक या इस तरह की कोई चीज़, अगर आपने मील स्किप करना हो और कोई मिल्क शेक या किस तरह की चीज़ बनानी हो, तो दैट इज़ वेरी यूज़फुल थिंग टू हैव। तो मैं चाह रहा था कि वो मैं ले आऊँ, तो उसकी ये कि वो मिल सकता है। फिर मुझे एक इलेक्ट्रिक कैटल चाहिए, और फिर छोटी छोटी चीज़ें चाहिए थी, एयर फ्रेशनर हो गया और इस तरह की चीज़ें चाहिए थी। तो वो उस जो पॉइंट्स हैं उनके अगेंस्ट आई कैन बाय दोज थिंग्स, बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग दिस क्रेडिट कार्ड फॉर मेनी ईयर्स, फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स, या मे बी शायद इससे थोड़ा कम। अच्छा, तो अभी ऐसा है कि यहाँ से अगर आप बाहर निकलते हैं तो यू कैन गो टू मेट्रो। नहीं होता आमलेट, तो उसके लिए मुझे पैन चाहिए। पता नहीं ये कैसा है रहेगा, इसकी प्राइस क्या होगी। इस तरह जी चार रोज छोड़ के आगे एक सर्कल टाइप बना होगा, वहाँ पर सारा प्लास्टिक का सामान होगा। आप इस साइड से गिरने का एंगल में छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपको थैंक यू ब्रदर। यार यहाँ का ओह थैंक यू यार, यहाँ का जो स्टाफ है बड़ा कोऑपरेटिव है, अगर अवेलेबल हो तो। यार इसका जो मेरा फ़ोन है ना, दिस इज़ नॉट वाइड एंगल, तो आप शायद समझ रहे हो कि यार ये किस तरह से कैप्चर कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम मेन यही है कि मैं बिल्कुल भी ये शो नहीं करना चाह रहा कि मैं मूवी बना रहा हूँ। तो अभी हम यहाँ पे बेकिंग सेक्शन में आए।
यार ये बना बस इन सऊदी अरेबिया तो ऊद का वहाँ पे बड़ा था कल्चर, इसकी फ्रेगनेंस यार ये जो ब्राउन ब्रेड है ये मीठी है, ब्राउन ब्रेड मीठी है, ये मीठी है, मैं लेके गया हूँ ये ले। हाँ मेरा ख्याल है यही वाली है, या वो फिर शायद उसका कलर किस तरह का था तो मुझे, ये तो मल्टी ग्रेन है ना, ब्राउन नहीं है, ब्राउन नहीं है, जो आप लोग खुद बनाते हैं अभी फिलहाल नहीं है, फिलहाल नहीं, किसी और कंपनी की उठा लो, हाँ डॉन की ट्राई करो यार, नहीं डॉन की तो उन्होंने रंग ही किया होता है डॉन पे, रेड एंड ब्राउन देखो, हाँ उनकी हो सकती है अच्छी यार, ये है ब्रेड एंड ब्राउन की ब्राउन ब्रेड, ये कितने की होगी, इसकी प्राइस पता चल सकती है, ये सर वो लिखी हुई है 120, अच्छा 120 बट एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द अदर वन बट स्टिल विल बाय, अच्छा यार थोड़ा सा मुझे ये फील हुआ कि कोई पूछताछ नहीं रहा, तो अभी प्रॉपर मैंने वाइड एंगल कैमरा जो है वो निकाला और उससे वीडियो बना रहा हूँ वाइड एंगल से, तो ये आपको डिफरेंस तो मिल रहा होगा, अच्छा एक मुझे ये चाहिए था, एक ये चाहिए था, एक ब्रेड वो भी फर्दर मोर, और क्या चाहिए था, हाँ यार यहाँ इसकी प्राइस पता चल सकती है, सर ये जहाँ पे लिया वहीं पे यार, वहाँ पे था नहीं तो मैं फिर इधर ले, अच्छा चलें सही है, ऑयल चाहिए था, ऑयल ऑलिव ऑयल, यार ये मैं यहाँ से जा रहा था, मुझे एक ऑफ़र नज़र आई है, कैफ़े मेट्रो प्रमोशनल ऑफ़र इन रुपीज़ 299, एंजॉय पनीनी सैंडविच एंड अ ड्रिंक फॉर फ्री, सो लेट्स ट्राई दिस बिकॉज राइट नाउ आई एम फीलिंग लिटिल हंग्री, तो ये भी टेस्ट करते हैं इसके साथ, मैंने अपनी ये पार्क इधर कर दी है और बाकी मज़ीद चीज़ें इनकी आपको दिखाते हैं इनके पास है क्या क्या, बेसिकली इनके पास ये बिस्किट्स वगैरह हैं, यहाँ पे ब्राउनीज हैं, जैसे जगह बकलावा अरेबिक जो स्वीट्स होती है वो है, इसके अलावा इनके मैं आपको और चीज़ें बताऊँ, केक शेक है, अच्छा शाम ब्रदर कार्ड, मुझे आप ऑर्डर खुद लेके जाना पड़ेगा या आप करेंगे, आप क्या कहते हैं ऑर्डर लेने, ठीक है ऑर्डर लेने के बाद मुझे आप बता देंगे, उसमें सेवन अप या कोई भी वाइट अगर बॉटल है, डाइट परफेक्ट है, फिट है, ज़बरदस्त, किसमें, अच्छा इसमें कौन कौन से फ्लेवर है,
स्पाइसी खाएंगे ना? नॉन स्पाइसी नॉन स्पाइसी हाँ, लेकिन ये स्मोकी जो कह रहे हैं वो ठीक है। ठीक है, चलो जी। अलग चीज़ बना ये ऑफर कब तक है आपकी वैलिड? फ्राइडे सैटरडे संडे। अच्छा, होती है, हमेशा होती है फ्राइडे सैटरडे संडे। यार दैट्स गुड, इट्स गुड फॉर वन पर्सन। यार इस्लामाबाद में जो तहजीब बेकर्स है उनकी पनीनी वॉज रियली गुड। लेट्स ट्राई कि यहाँ मेट्रो पे कैसी है। आई होप कि अच्छी होगी। तैयार हो रही है, पनीनी तैयार हो रही है। पनीनी के बारे में थोड़ी रिसर्च करनी है, ये कहाँ की सौगात है और क्या डिश है, ये कहाँ की है क्या की नहीं। ग्रिल कर रहा है, ग्रिल। ये 299 की है और इसमें एक साथ हो गया कहते हैं ड्रिंक है इनका। मैंने 7 अप डाइट मंगवाई है। अच्छा यार, शॉपिंग के साथ साथ अगर आपको भूख लगती है तो यहाँ पे आ सकते हैं। अच्छा, इट्स गुड। भैया ने एक दफ़ा मुझे कहा गया है कि अगर सिक्योरिटी वाला ने देख लिया तो आपकी क्या कहते हैं वीडियोस डिलीट कर दी जाएंगी। तो मैं नहीं चाहता कि मैंने जो वीडियोस बनाई हैं वो डिलीट हों। सेल्फ सर्विस है भैया ने यहाँ पे। धुएँ निकलते हैं, धुएँ पनीनी में से। और इट्स ऑलमोस्ट रेडी, हम जस्ट वेटिंग कब मिलती है। कितना टाइम लगता है इसके बनने में? 4 to 5 मिनट्स। जो ब्रेड के ऊपर पैटर्न्स बन रहे हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त है।
खूबसूरत बेडरूम है। नाम क्या आपका? मेरा नाम जैन। जैन, जैन। माशाल्लाह ब्लॉगर है। हाँ जी, मैं लाहौर से, इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद अभी लाहौर में रह रहा हूँ कुछ अर्से के लिए। फोर पीसेस का? हाँ इनफ है, ज़बरदस्त। बस ऐसे ही दे, बस, 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 हाँ हाँ जी। वो डाइट सर, थैंक यू सो मच। यार ये मैं ले आया हूँ, अब बैग उतार के इधर रखता हूँ। जो फर्स्ट इम्प्रेशन है इसका, बड़ा मज़े का आ रहा है। ये इसके ऊपर जो पैटर्न बने हुए हैं यार, बहुत मज़े के, उससे ही लगा है बहुत टेस्टी होगी। ओहो, ये चेक करें यार, ये चेक करें। काफ़ी फ्रेश है, टेस्टी है, और ये स्मोकी फ्लेवर मैंने मंगवाया। इट्स नॉट दैट स्पाइसी बट गुड। चिकन के चंक्स आ रहे हैं बीच में, एलोपिनोज हैं और मायो, केचप, दे आर सैलड, मज़े की चीज़ है। ड्रिंक मैंने ओपन कर लिया सर, ये 300 रुपये में, ये इट्स गुड। इट इज़ इनफ फॉर वन पर्सन। मैं